श्रावण मास के पहले सोमवार आज सागर स्थित सोमनाथ महादेव मठ पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। यहां मठ के महंत नीलेश भारती द्वारा श्रावण के प्रति सोमवार केदारनाथ से लाए गए सिद्ध एवं अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरित किए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह से क्षेत्र में तेज बारिश होने के बावजूद भक्त सुबह से यहां हाथों में श्रीफल लिए सिद्ध रुद्राक्ष को पाने के लिए कतार लगाकर खड़े हैं। सोमनाथ मठ के महंत नीलेश भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष पूजा अर्चना कर रुद्राक्षों का अभिषेक किया गया, जो भक्तों को वितरित करने हेतु केदारनाथ से बुलाए गए। भक्तों को प्रति सोमवार एक श्रीफल चढ़ाने पर रुद्राक्ष भेंट किया जाएगा। सुबह 12 बजे तक लगभग 7000 लोग यहां आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर चुके हैं। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। पहले सोमवार जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में विस्तार से। रुद्राक्ष महोत्सव इस प्रकार का आयोजन की तैयारी हम पिछले सोमवार से कर रहे हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है। आज से रुद्राक्ष वितरण का ये कार्य पवित्र कार्य प्रारंभ हुआ है और उसी कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि पानी इंद्र देवता साक्षात यहाँ भारी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बाबा सोमनाथ की कृपा ऐसी है, यहाँ रुद्राक्ष लेने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में अभी तक लगभग 7000 भक्त यहाँ आ चुके हैं और रुद्राक्ष ग्रहण कर चुके हैं। तो इस प्रकार का दृश्य, अद्भुत दृश्य यहाँ पैदा हुआ है बाबा सोमनाथ की कृपा से। तो सब लोग रुद्राक्ष ग्रहण कर रहे हैं। आपका नाम? महंत नीलेश भारती, सोमनाथ महादेव। आज जो यहाँ रुद्राक्ष वितरित हो रहे हैं उस विषय में आपका क्या कहना है? आज बहुत हर्षित की बात है। सोमनाथ महादेव मठ में जो रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, इसमें काफ़ी लोगों ने उत्साह से अपने पानी में भीगते हुए भी रुद्राक्ष लेने के लिए अपार भीड़ चली आ रही है। और हम भगवान से यही विनती करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें भगवान। आपका नाम? मेरा नाम रायसी मुखर्जी साहू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।